चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सिक्सटीन अक्टूबर सोलह अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे फॉर पी डी ऑफ दिस वीडियो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू सिंपली अपने सर्च करके ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के पी डी एफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाते हैं शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कौन सी स्टेट ने फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड जीत लिया है ये आपने बताना है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर है उड़ीसा उड़ीसा हैज़ वॉन दिस अवार्ड यू नो क्यों अवार्ड दिया जाता है बेसिकली जो स्टेट बेसिकली एक्सेप्शनल वर्क करते हैं इन द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये फिफ्थ फिफ्थ टाइम दिया गया बेसिकली सो इन दिस ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बेसिकली ट्वेंटी थ्री ईयर की अगर हम बात करें तो यानी दो हज़ार तेईस में जो जिस स्टेट ने बेस्ट काम किया तो अभी अवार्ड ये दिया जाता है तो ये जीता है जी उड़ीसा ने ये आपको याद रखना है सेकंड बात करें सेकंड पोजीशन पे यूपी है थर्ड पे गुजरात है आपको यूपी सेकंड थर्ड याद रखने की रिक्वायरमेंट जस्ट फर्स्ट याद रख लीजिएगा कौन सी स्टेट ने जीता है वो जीता है जी उड़ीसा ने ओके okay. अब बात करें ये अवार्ड देता कौन है बेसिकली ये अवार्ड देता डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एंड विच इज़ ऑल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है ये आपको याद रखना है श्री सी आर पाटिल इनका नाम आप याद रख लीजिएगा सी आर पाटिल इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ये अवार्ड दिया जाता है देखो डिफरेंट नाइन कैटेगरीज़ में दिए गए जैसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें बेस्ट विलेज की बात करें बेस्ट स्कूल की बात करें बेस्ट पंचायत की बात करें बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात करें बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें बेस्ट कॉलेज की बात करें क्या वो सब याद रखने नहीं इंपॉर्टेंट आपने बेस्ट स्टेट याद रखना है अडिशनली आप इसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एंड बेस्ट विलेज याद रख सकते हो पालमपुरा ये ये आपको केरल में मिले पालमपुरा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम का ये विलेज है तो ये एक विलेज आप याद रख लो डिस्ट्रिक्ट आप याद रख लो एंड स्टेट आप याद रख लीजिएगा उड़ीसा स्टेट को मिला है ये आपने याद करना है किस मिनिस्ट्री द्वारा दी गया जल शक्ति मिनिस्टर कौन है जी सी आर पाटिल हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज़ अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने ये आपने बताना है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस परमेश एस परमेश न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए अभी इन्होंने बेसिकली रिप्लेस करेंगे राकेश पाल को नाव जो न्यू डायरेक्टर जनरल बनेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वो एस परमेश रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के भी न्यू डायरेक्टर जनरल बने अमरप्रीत सिंह वो आपको जरूर याद रखना है आठ अक्टूबर को हमने इंडियन एयरफोर्स डे भी ऑब्जर्व किया वो आपको याद रखना है हु हैज़ clinched ICC Player of प्लेयर ऑफ द मंथ award कैटेगरी अवार्ड फॉर द सेप्टेम्बर टू तो किसने जीता है सितंबर मंथ का मैन कैटेगरी में तो ये है जी श्रीलंका के बैट्समैन है किमिंडू मैंडिस ओके कीमिंडू मैंडिस को दिया गया मैंस कैटेगरी में वहीं अगर वुमेंस कैटेगरी में बात की जाए इंग्लैंड की टैमी बी इनको दिया गया वुमेंस कैटेगरी में इन इंटरनेशनल क्रिकेट आई प्लेयर ऑफ द मंथ सेप्टेम्बर मंथ की बात हो रही है केमिंडू मैंडिस एंड इंग्लैंड की टैमी ये इंग्लैंड की हैं एंड जो मेंस कैटेगरी में कमेंड ये श्रीलंका के इन दोनों का नाम आप याद रख लीजिएगा ओके okay, देखो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे सो अभी डाउनलोड करें एंड इसका बेनिफिट उठाएँ एंड काफ़ी आप अच्छे पे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो विद आवर ऐप जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं इनको अवार्ड दिया गया प्रेस्टिजस आई ए एफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान थर्ड तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें ये चेयरमैन कौन है इसरो सिंपल सा क्वेश्चन है तो चेयरमैन uh, है डॉक्टर एस सोमनाथ एस सोमनाथ जो चेयरमैन हैं अभी रिसेंटली इन्हें बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनोटिकल फेडिनेशन द्वारा सम्मानित किया गया जो हमारा इंडिया का लूनर मिशन था चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल यू नो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हमने मून पे की थी तो साउथ पोल पे बेसिकली mm -hmm. उसी चीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए हमारे इंडिया के जो बेसिकली इसरो के चेयरमैन है इनको सम्मानित किया गया बेसिकली इसके पीछे जो वर्क है ऑल ओवर द टीम बिकॉज नो वन कैन डू दिस थिंग जॉइंटली बट यू नो ही इज़ द लीडर ही इज़ अ चेयरमैन सो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द एक्सेप्शनल वर्क फॉर द चंद्रयान थ्री तो इन्हें सम्मानित किया गया आई ए एफ़ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनोटिकल फेडरेशन के हेडकोर्टर्स पैरिस में आपको मिल जाएंगे याद रख लीजिएगा हु विल टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टुडे आज शपथ लेने जा रहे हैं फाइनली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो गए एंड फाइनली अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं यू you नो know, जो अलायंस है इंटरनेशनल कांग्रेस की प्लस एन की तो इसमें जो मुख्यमंत्री चुने गए वो हैं जी उमर अब्दुल्ला ये या आप याद रखें आज शपथ ले लेंगे एंड आई होप विदेश जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव आएंगे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी एंड प्रॉपरली टाइमली सब चीज़ें कवर होंगी ऑन विच डे वर्ल्ड फूड डे इज़ ऑब्जर्व वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी डेट को हर साल ये किया जाता है 16 अक्टूबर को क्यों इसके पीछे एक रीज़न है बिकॉज दिस डेज़ यू नो रिकनाइज तब फॉर्मेशन ऑफ़ फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी सिक्सटीन अक्टूबर 1945 में ये यू एन के ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सेफ्टी की बात कर रहा है तो इसी दिन के यू you नो know, इसी चीज़ को याद करने के लिए एज़ ए वर्ल्ड फ़ूड डे से रिकेगनाइज़ किया जाता है ये आप याद रखें डॉक्टर क्यो डोंगो चेयरमैन है यानी कि डायरेक्टर जनरल आप कह सकते हो ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडकोर्टर्स आपको रोम इटली में मिल जाएंगे ये चीज़ें आपको याद रखनी है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम डी एन सी ई ऑफ बंदर बैंक बंदर बैंक के हेड क्वार्टर्स कोलकाता में है अभी जो चेयरमैन बनाए गए हैं बेसिकली सी ई ओ बनाए गए हैं एम डी बनाए गए हैं वो हैं पार्था प्रतिम सेन गुप्ता ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टेट अवे सी ई का नाम आप याद रखें जो एम डी एन सी ई बनाए गए ऑन विच डे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ ऑब्जर्व अगेन इंपॉर्टेंट है ग्लोबली हैंड वॉशिंग दो हज़ार आठ से इसकी शुरुआत की गई थी यू नो हाइजीन्स आर इम्पोर्टेंट सो so, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ तो, अक्टूबर को जिस दिन हमने यू नो वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी ऑब्जर्व किया जिस दिन हमारे ए अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व हम करते हैं तो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर्स ना एक क्वेश्चन आप आंसर मुझे बताइएगा ऑन विच डे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज़ ऑब्जर्व तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एंड कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने कमेंट करके बताना है सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स अगर उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर हैं वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ अगर अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करके आपकी लाइक से हमें आइडिया लग जाता कि यार यू आर सपोर्टिंग अवर वीडियोज़ तो आप जरूर इसे लाइक ज़रूर करा करें डेली अगर आपको पसंद आ रहा है थैंक यू गायज़ मॉक टेस्ट जरूर परचेज करें क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो विद विदआवर मॉक टेस्ट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू गाइस टेक केयर मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ सिलेबस आपका ऑलरेडी मैं कवर करवा ही रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का डोंट वरी सब चीज़ें टाइमली मैं कवर करवा दूंगा डोंट वरी जस्ट Be focused and study hard. Thank you. Take care.